मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नागौर में भी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा की नामांकन रैली में भाग लिया। उन्होंने नागौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों और गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई और उन्हें मूर्त रूप दिया। हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान के विकास के लिए काम कराना चाहते हैं। अब देख लीजिए, किसानों के लिए अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है किसानों के लिए फायदा दिया है। आपको ध्यान होगा सीकर की उस सभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाटों के आरक्षण की बात की तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, और वो देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो देश के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं 1975 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना का काम अगर प्रारंभ किया तो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। यही नहीं मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो किसान सम्मान निधि से नहीं, किसान की हमारी क्रेडिट कार्ड से लेकर के और हमारे ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर के अगर काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया।